हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ कांगड़ा में। और कांगड़ा में यहाँ पे एक कांगड़ा फोर्ट था, टूरिस्ट प्लेसेस। तो मैं चलिए आज आप लोगों को कांगड़ा फोर्ट दिखाता हूँ। बस भी आपको मिल जाती, ऑटो भी मिल जाती, लेकिन मैं यहाँ से पैदल चलना पसंद किया हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा पाऊँ और थोड़ा सा जर्नी का भी मज़ा ले पाऊँ। चलिए चलते हैं, पैदल चलने का मज़ा लेते हैं और आपको भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरा पहाड़ है। ये रास्ता है, यहाँ से लगभग अभी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है यहाँ से। ये नीचे देख सकते हैं, ये पूरी खाई है और ये एक साइड जो है रोड रहती है। यह हिमाचल में आपको ऐसी रोड देखने को मिलेगी। कांगड़ा फोर्ट लिखा है और यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना होगा। यहाँ जो हिमाचल में घर बनता है तो ऐसी बनती है, मतलब आपको ये पहाड़ के ऊपर ही पहाड़ जैसा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पर टिकट घर है, टिकट आपको लेना पड़ेगा आगे, फिर आगे चलेंगे। टिकट मिल गई हमारी। टिकट के चार्जेस देखिए 25 रुपीज़ है। देखिए अभी यहाँ गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर चुके हैं। यहाँ म्यूज़ियम भी है, कांगड़ा म्यूज़ियम भी है ये देखिए, और तो अथवा संग्रहालय कांगड़ा यहाँ भी है। तो ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप अपने सामने। ये पुराने ज़माने के राजा का बना हुआ ये फोर्ट है। तो देखिए एक तरफ ये पूरी खाई है जैसा कि आप देख सकते होंगे ये, और ये इसी के ऊपर पहाड़ के ऊपर ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो अभी हम लोग इसमें चलते हैं और इसके अंदर क्या है वो दिखाते हैं आपको, हमको खुद नहीं पता। टच ना करें, वीडियोग्राफी ना करें। तो दोस्तों मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अंदर में आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी करना मना था। तो अंदर में जो चीज़ें थी मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब दिखा तो नहीं सकता, सॉरी बता सकता हूँ। अंदर में आपको बहुत सारे मुजस्मे यानी बुत बना हुआ कह सकते हैं उसको, इस टाइप की कारीगरी आप देख रहे हैं। ये इसी सब टाइप का बना हुआ अंदर में आपको मुजस्मा मिलेगा, थोड़ा अलग प्रकार का। और बाकी आपको जो है कुछ पुराने ज़माने के सिक्के, जो कॉइन्स वगैरह चलते थे, वो कॉइन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और रॉक्स कुछ ऐसे वगैरह जिससे लोग, जिस टाइप का रॉक्स का लोग नाइफ में इस्तेमाल करते थे, यानी कि चाकू के तौर पे इस्तेमाल करते थे, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वैसी सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर मिलेंगी। बाकी और कुछ ख़ास नहीं मिला मुझे अंदर में। अंदर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएंगे, जेंट्स और लेडीज बहुत दिखेगा सही से, जेंट्स और लेडीज टॉयलेट मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे कि ये एक किला बना हुआ है राजा द्वारा, और इसी के अंदर का यहाँ मेन गेट है, यहाँ से भी एंट्री करेंगे। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी प्लेसेस अच्छे अच्छे हैं, आप बैठ के चिल आउट कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। उसके अलावा जो है 12 घंटे में किसी वक्त आ सकते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कोई इशू नहीं है। ये देखिए छोटी छोटी खाड़ी बनाई गई है ऊपर जाने के लिए। वहाँ से मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा ये, और आप थक भी जाएंगे। लेकिन आप पहाड़ी पे चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप बेबी स्टेप लें, छोटा छोटा स्टेप लें, तो आप आसानी से पहुंचेंगे। पुराने ज़माने का कुआं है जिसको ढक दिया गया है,
ये पानी अभी भी अवेलेबल है। तो ये पूरा बना हुआ है वहाँ से वहाँ तक, अब इस पर चढ़ के भी फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं। और इस पर ये देखिए शायद ये सीढ़ी रखा हुआ पुराने ज़माने का यहाँ। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये इसको अमीरी दरवाज़ा बोला जाता है। देखिए अमीर वार करने के लिए, देखिए यहाँ पे ऐसा बनाया गया है कि बाहर से तो ये चीज़ें बहुत छोटी सी दिखेंगे, लेकिन अंदर से यहाँ से आसानी से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये पहले ज़माने का बनाया हुआ है एंशिएंट। यहाँ पे देखिए ये हर द्वार पे बने हुए हैं आपको। यहाँ देखिए बैठने के लिए बना हुआ है, अगर आप थक जाएं तो यहाँ नीचे से। और अगला जो है वो जहांगीरी दरवाज़ा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा जिसको जहांगीरी दरवाज़ा बोलते हैं, ये देखिए हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में इन्होंने बागीचे बना रखे हैं काफ़ी शानदार ज़बरदस्त। इतना ऊपर आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं अभी कितना ऊपर हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से अंदाज़ा लगेगा। देखिए ये देखिए कि हम लोग कितने ऊपर हैं। और मैं था वहाँ, वहाँ इसका मेन गेट है जहाँ आपको हिंदुस्तान का झंडा नज़र आ रहा है, वहाँ से मेन गेट था। तो देखिए हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ ऊपर में इन्होंने बागीचा बना रखा है पूरा। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से किला का नज़ारा। ये देखिए वहाँ से हम लोग आ रहे थे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए अब यहाँ से देखने में और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। देखिए सुपर सेक्सी एंड ग्रेट। ये देखिए नीचे पानी का ये है, नीचे से हम लोग को आना था। ये पूरा खुला हुआ, लेकिन थोड़ा डेंजर है, बच्चों के साथ नहीं आए। ये देखिए अभी देख रहे हैं आप ऊपर, वहाँ भी चलेंगे, फिर वहाँ चल के भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे खजूर वगैरह के कुछ दरख्त वगैरह लगाए गए हैं, और भी बाकी सारी चीज़ों के हैं तो जो मुझे नहीं पता। यहाँ देखें, यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखेगा रास्ते का, पूरा शहर का, पूरा शहर को देख सकते हैं आप यहाँ से। ये ऐसा बनाया गया है, ये आपको मैं बॉर्डर बॉर्डर दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ से घिरा गया है ताकि कुछ डेंजरस है आगे, वहाँ से देखिए कुछ नहीं है तो आगे लोग ना जाएं, यहाँ से घिरा हुआ है। ये देखिए OMG सो डेंजरस। और आपको पानी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, एकदम शांत सा, अगर शांत हो गया अगर आप सुने तो दो मिनट। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। देखिए ना रास्ता, यहाँ का वैसे ही रास्ता होता है। और देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ बस जो चलती है ना, रियली मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे मैं आपको दिखाऊँ जूम करके थोड़ा। ये देखिए ये रास्ता है, और नीचे देखिए कितनी गहरी खाई है। इसी टाइप का रास्ता होता है। वहाँ कार देखिए एक चल रही है, समझ में आ रहा होगा। तो इतना ऐसा रास्ता होता है, फिर भी बस वाले काफ़ी रफ चलाते हैं। ऊपर पहुंचा हूँ अभी, और ऊपर पहुंचता हूँ। जो मैंने आपको नीचे से दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए एक दर्शनी गेट। ये रहा आपका दर्शनी गेट।
एक तरफ गंगा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यमुना लिखा हुआ है। देखिए यही पुराने ज़माने के पत्थर के हिसाब से सीढ़ी बनी हुई है। OMG, यहाँ मेन एरिया देखिए बना हुआ है। अब जहाँ एंट्री करेंगे, आपको एंट्री करते हुए आपको पता चल जाएगा कि कितना अलग सा बना रखा है इन्होंने और कितना पुराना है। ये देखिए, ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए आप, फिर मैं आपको नज़दीक ले जाऊँगा। देखिए लोग हर जगह घूम रहे हैं और हर जगह मैं आपको लेके जाऊंगा। ये काफी बड़ा एरिया बनाया है यहाँ पे इन्होंने। देखिए यहाँ से छोटा छोटा भूलभुलैया टाइप का रूम बना हुआ है या गेट बना हुआ है। देखिए ये सारी चीजें तो झड़ गई है, शायद ये रूम ही था पुराना, पहले ज़माने का बना हुआ। ये खिड़की वगैरह, यहाँ का व्यूज़ देखिए कितना अच्छा व्यूज़ है। तो पहले के राजा वगैरह का यही था ही, उनकी अय्याशी अलग ही थी, अभी आप लोग चाह के भी नहीं कर सकते। ये इसी से कनेक्टिव यहाँ डोर वगैरह है, डर भी लगता है इतना पुराना है कि कुछ गिरेगा तो डायरेक्ट सर पे और इंसान बचेगा भी नहीं। तो ये देखिए, ये पुराने ज़माने के कुछ कुछ नक्काशी पत्थर पे किया हुआ अलग अलग टाइप के। ये देखिए, असल तो मज़ा ये ले रहा है, देखिए इससे अच्छा मज़ा कोई ले सकता है? ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का यहाँ बोर्ड लगा है। ये देखिए, देखिए ये मंदिर है यहाँ पे ऊपर में बना हुआ। चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक जाओगे, एक पानी की बोतल ज़रूर रख लेना, ऐसे कि देखिए मैंने भी रखा है, आपको प्यास ज़रूर लगेगी। और यहाँ पे अंदर में मिलेगा नहीं तो रख लेना याद से, क्योंकि इतनी चढ़ाई वगैरह है ना, सांस फूलने लगेगी तो आराम से रुक रुक करके। देखिए ये मंदिर का पूरा नक्काशी पत्थर के ऊपर जो है मंदिर टाइप का बना हुआ है, यहाँ से ऊपर पूरा भूलभुलैया टाइप का बना हुआ है। चलिए पहले ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये एक एरिया काफ़ी मस्त है, ये ऊपर सब लोग हैं, वहाँ भी चलेंगे एक एक करके। यहाँ लोग जाते कैसे होंगे? देखिए आप जाइएगा तो आपका सर टकरा जाएगा यहाँ पे, तो आपको झुक के जाना पड़ेगा। ये इस टाइप के कई दरवाजे बने हैं, देख रहे हैं, जो सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक है। देखिए लास्ट में फिर ये पैक, तो ये भूल भुलैया टाइप से बना हुआ। ये देखिए सबसे असल ये समझ में आया मुझे, ये हथियार वगैरह के लिए और लड़ाई वगैरह के समय जो है आप ये उसके लिए बनाया गया। देखिए तो चलते चलते तो वैसे ही सांस फूल रही है। ये देखिए, ये देखिए आपको इतनी छोटी सी जगह से लेके चलता हूँ, अरे बाप रे बाप, सर ना टकरा जाए सर बचा के। ये देखिए कहीं घुसे कहीं निकले, यहाँ खोपचे बहुत हैं, एक से एक खोपचा मिलेगा आपको। ये देखिए नीचे था मैं आपको दिखाया था वहाँ नीचे से, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने आपको बोला था कि ऊपर चढ़ के दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा इससे और ऊपर चलना है और ऊपर चलेंगे, देख रहे हैं वहाँ तक चलेंगे। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सीढ़ी बनाई गई है, चलिए इसी से चलते हैं। आपको झुक के चलना पड़ेगा और काफ़ी छोटी छोटी है। OMG, आप देखिए थोड़ा आगे ऊपर,
तो यहाँ से भी मैं एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वहाँ पे भी था, मैं पीपल का पेड़ आपको दिखाया था, वहाँ से वो सारी चीज़ें दिखा रहा था। ये प्लेस भी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। उधर भी चलेंगे, वहाँ लास्ट में जो बच्चे घूम रहे हैं, और ऊपर भी चलेंगे। अगर आप आसपास हैं, यहाँ पे हैं, तो आप ज़रूर प्लान बनाएं और एक बार आके देखें, घूमें, थोड़ा एंजॉय करें। ज़्यादा नहीं, पर बंदे 25 रुपीस की टिकट लगेंगी आपको। एक ऊपर मंदिर दिख रहा है, मैं थक चुका हूँ काफ़ी, तो मैं बोलूँगा नहीं, लोग सिर्फ देखें। देखिए समझिए, पहाड़ के टॉप पे हूँ मैं, टॉप पे। टॉप गियर कभी आपने लगाया है लाइफ का? भाई टॉप गियर है ये। समझिए सबसे टॉप पे हम लोग अभी खड़े हैं। फोर्ट का सबसे टॉप प्लेस है ये, कांगड़ा फोर्ट का, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। ये नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ किलिंग भी किया गया है ताकि बच्चे लोग को या किसी का भी कोई हानि ना हो। देख सकते हैं सारा प्लेस पे भरा हुआ है। यहाँ पे सामने वाइट कलर का आपको पहाड़ दिख रहा होगा, जो ऐसा लग रहा है बादल की तरह। यहाँ देखिए काफ़ी डेंजर है, यहाँ से अगर बच्चे अगर गिरेंगे या कोई भी गिरेगा तो दादे अंदर जाने का नहीं है। तो टॉप व्यू पॉइंट था वहाँ, मैंने जो आपको दिखाया, अब वहाँ से आगे चलते हैं। देखिए काफ़ी खजूर का पेड़ है यहाँ पे। ये देखिए ये मेन शेड है, ये टॉप पे हूँ मैं, और वहाँ नीचे था मैं, जहाँ से आपको देख बोला था कि मैं सबसे ऊपर जाने वाला हूँ, वो नीचे के प्लेसेस दिख रहे होंगे आपको। और सबसे नीचे जो आप वहाँ दिख रहे हैं, वहाँ से एंट्री है अपनी, जहाँ पे आपको झंडा दिख रहा है इंडिया का। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है ये जो प्लेस है, और आपको काफ़ी चिल आउट महसूस होगा। आप कहीं पे भी, आप यहाँ पे बैठने उठने की जगह भी बनाई है, देख सकते हैं आप, और वैसे भी नीचे भी बैठ सकते हैं, वहाँ सामने भी बनी हुई है, तो आप कहीं पे भी बैठ करके आराम से चिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे, तो आप यहाँ पे भी बैठ कर चिल आउट कर सकते हैं। ये प्लेसेस इतनी अच्छी है यहाँ पे, ऊपर में यहाँ पे खूबसूरती के लिए पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं। OMG, पता नहीं ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था। देखिए यहाँ पे पूरा ओपन रखा है, हालांकि इनको यहाँ से भर देना चाहिए या इसके ऊपर जाली लगा देना चाहिए। देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ना, ये वेल की तरह है, लेकिन वेल चौकोर टाइप का है। पता नहीं ये किस लिए बनाया गया, शायद हो सकता है किसी दुश्मनों को धोखा देने के लिए, किसी चीज़ के लिए बनाया गया। तो आप आए यहाँ पे तो कुछ स्नैक्स वगैरह ला सकते हैं,
और पानी वगैरह ज़रूर ले, और यहाँ पे बैठ के आप फैमिली के साथ टाइम पास करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आप संडे की इवनिंग यहाँ बिता सकते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जो कांगड़ा फोर्ट के जस्ट बगल में है, वहाँ भी आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए बाय, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।